ये आ गई हमारी गाड़ी, इधर आ जाइए। आप इधर आ जाइए ना। हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 11:35 से, क्योंकि मैं आज जा रही हूँ कोलकाता। तो हमारी फ़्लाइट है 3:30 की, तो इसलिए मैंने ड्राइवर को मैंने जल्दी बुला दिया 12:00, तो 3 घंटे आराम से। फिर खुशी तो मुझे बहुत हो रही। अरे, मेरा बच्चे के साथ, अपने बच्चे के पास जा रही हूँ, तो चलो मैं फिर मिलती हूँ, मैं निकलते हैं। ये देखिए, एक लगेज, दो, एंड अभी मेरी रहा है, ये मेरा है, एंड ये पर्स है। बस ये भंडारी जी की बैग कहाँ है, रखवा दिया वहाँ पे? अच्छा, ये पिट्ठू बैग। ओके, लंच का पूरा सिस्टम रख दिया अपने पास, आलू की सब्जी और पूड़ी रख दी है, तो हम तीनों दो तीन वो भी खा लेंगे, तो कोई बात नहीं। अब तो सिद्धार्थ कोलकाता जाके खाएंगे, बट फिलहाल अभी यहाँ से हमारी देहरादून टू दिल्ली की है, और दिल्ली से 5 घंटा एयरपोर्ट में रुकना पड़ेगा, तो इस वजह से हम लंच भी और डिनर भी पैक करके लेके जा रहे हैं। ठीक है 12 बज गया क्या? नहीं, ठीक है 12 बजे नहीं निकलना, चलो फिर। ओके, चलो फिर बैठो। चलो मंडी, बैठो आप, मैं फिर बैठती हूँ। जय मानक सिद्ध बाबा, नमो शिवाय। गाड़ी में बैठने के बाद फिर हम बुड्ढी चौक गए, और वहाँ पे हमने बीकानेर के दुकान से फिर हमने लिया पान मिठाई। उसके बाद फिर निकल पड़े हम एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट जाते समय इतनी ट्रैफिक थी वहाँ पे कि हम वहाँ निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमें वैसे भी ऑलरेडी लेट भी हो रहा था, और हम चाह रहे थे कि हमें रास्ते में ट्रैफिक ना मिले, बट हर जगह ट्रैफिक भी हो रही थी और भीड़ भी हो रही थी। अगर 1 सेकंड अगर गाड़ी रुक जाए तो यहाँ तो वैसा हो जाता है कि लाइन लग जाती है गाड़ियों की। अब वाला सिस्टम हट गया ना, जो टिकट वैसे दे। धन्यवाद। लास्ट 200 रुपये था वो भी। देख नहीं रहे, यही तो बात होती है। तभी तो बोल रही थी मैं, देख ले ना वहां से कहां ले जा रहे। देख भी तू लो यार, ये है जगह बनी। ड्राइवर बने हैं, बस वो देखो टकरा रहे हैं। बस में तो खड़ी है गाड़ी।
जा रहा हूँ। ओके गाइस, अब मैं बैठ गई हूँ फ्लाइट में और हमारा टाइम हो चुका है बैठ जाने का। तो फिर अभी फिलहाल हम जाएंगे देहरादून टू दिल्ली। फिर दिल्ली में जाके हमें 5 घंटे रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी रात का फ्लाइट है कोलकाता के लिए। फिलहाल अभी उड़ने को तैयार है हमारी फ्लाइट। फिर मिलती हूँ मैं 17 ओके दिल्ली में। रसे भंडारी जी के साथ में, भंडारी जी, भंडारी जी अपने लगे हैं पूरी बनाने में। अब हम दिल्ली उतर चुके हैं। रेलगाड़ी चुक 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 रेलगाड़ी। भाव सो रहे, मस्त मजा आ रहा। बाप रे, बड़ा अच्छा वो जगह ले रखा आपने तो। फ्लाइट खड़ी, कितनी सारी, क्या नींद है, वाह। अब हम कोलकाता उतर चुके हैं, तो मैं अब अक्षित से करीबन 1 या आधा घंटे दूर हूँ। और बहुत ही एक्साइटेड हूँ, रात का नजारा। अब आज पहुँच गए आप कोलकाता, कैसे रही? अब मैं पहुँच गई कोलकाता। हाँ, एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अपने बच्चे से मिलने के लिए। ओह माय गॉड, अच्छा, बस कोलकाता हावड़ा ब्रिज ये है भाऊजी, बस यही देखने देखना है, ये देखिए ना। ओके, पर हावड़ा ब्रिज से इन चीजों से ज्यादा तो मुझे अपने अक्षित से मिलने का। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सोच रही कब, वो अभी जागा होगा या तो सो गया होगा, है ना। बड़ा अच्छा है एयरपोर्ट, बहुत लेट के बाद हमें पहुंचना था 12 बजे, अब पहुंच रहे हम 2 बजे। वो 9 नंबर जाना, चलो ना। अच्छा, आगो क्या हो गया? मैं जिस भी वहाँ से छलांग मार। अब मैं पहुंच गई हूँ कोलकाता के मेन गेट पे, मतलब हम ये समझो हम एयरपोर्ट से
बाहर एग्जिट कर चुके हैं। तो फिर देखिए कोलकाता, ओके गाइस अब मैं निकल गई हूँ यहाँ से एयरपोर्ट से, अब सीधा अक्षित के पास फ्लैट में आ गया। दरवाजा बंद कर दो आराम से, बहुत तेज बंद हो रहा हूँ। बस ले लिया उसमें, इसको भी पंखा चला के सो रखा, पंखा चला के सो रखा है तो डरा दिया उसको, डरा दिया उसको। मेरा बच्चा जैसा कैसे सो रहा है, बस बंद कर अरे कुड़े बाकी ना कुड़े।